औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, फाइनेंस डिपार्टमेंट सिंध में जॉब्स आई हैं। ये वीडियो इन जॉब्स की डिटेल के हवाले से हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को नए नए जॉब्स की नोटिस में तो आप लोग को मोबाइल स्क्रीन पर मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तमाम सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, तो वहाँ से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और जॉब्स की डिटेल के बारे में जानते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट यानी कुल असामियों की तादाद 23 हैं। डोमिसाइल सिंध का होना ज़रूरी है, यानी जिन कैंडिडेट्स का डोमिसाइल सिंध से हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सिंध में होगी। क्वालिफिकेशन इसके लिए बी कॉम और बी बी ए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा एज लिमिट तमाम जितने भी ये 23 पोस्ट्स हैं इसके लिए 18 से 28 साल तक एज रिक्वायर्ड है। इसके अलावा लास्ट डेट इसके लिए 31 अगस्त 2022 है। तो 31 अगस्त 2022 से पहले पहले आप लोगों ने इसमें अप्लाई करनी है। इसके अलावा वैकेंट पोजीशन इसमें सब अकाउंटेंट हैं। सब अकाउंटेंट यानी बहुत सारे अजला में सब अकाउंटेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। सिर्फ यही असामी होगी, लेकिन 23 जगहों पे 23 असामियाँ हैं। हाँ, तो दोस्तों अप्लाई करने का तरीका ये होगी, आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करनी है, ठीक है। उसके साथ आप लोगों ने अटेस्टेड एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन उसकी सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपीज आप लोगों ने साथ अटैच करनी है, CNIC की फोटोकॉपी, डोमिसाइल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, फोटोग्राफ्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों ने फिर सबमिट करनी है, यानी भेजनी है सेक्टर ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, AK लोधी कम्प्लेक्स बिल्डिंग नंबर 5 कराची। ये एड्रेस आप लोगों को एडवर्टीजमेंट में मिलेगा, तो वहाँ से भी आप लोग इसको देख के आप लोगों ने इस एड्रेस पर ये तमाम की तमाम डिटेल्स और ये डॉक्यूमेंट्स भेजनी है। ये है जी इसके एडवर्टीजमेंट, इसमें तमाम के तमाम जो है डिटेल मौजूद हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट मौजूद हैं, ठीक है, डोमिसाइल कहाँ कहाँ होना चाहिए, ठीक है, तमाम सिंह से ये रिक्वायर्ड है। इसके अलावा फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, ये देखे टर्म्स एंड कंडीशन में कन्फ्यूजन हो, ये अप्लाई का तरीका मैंने बता दिया। बाकी जितने भी मोटा मोटा जो था वो मैंने बता दिया है। इसके अलावा फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।